बहुत ज्यादा नहीं है। विकेट को देखते हुए सिद्धार्थ को लगता है कम से कम 30 रन कम बनाए हैं बंगाल टाइगर्स की टीम ने। याद रखिए टॉस जीता जिशु ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। विकेट बहुत बढ़िया है और दोनों ओपनर्स कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए तैयार हैं। लोअर मिडल ऑर्डर है, मुझे जिस प्रकार खेल सकता था वैसे नहीं खेल पाया। मैंने अभी भी नोटिस किया ये जो आप कार्ड देख रहे हैं कोच के हाथों में, वहाँ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि स्पीक टू योरसेल्फ, माने ये एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। This is called self-motivation. ये कह रहे I will speak to myself, I am the best, we will win. बढ़ सकती है उनके लिए। दोनों ही ओपनर्स अब क्रीज पे और एक जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है। पहला सेमीफाइनल है, विनर्स का प्रयोग करते हैं तो कई बार ओपनिंग बैट्समैन को थोड़ी समस्या हो सकती है, पर अब अगर आप देखें जो फील्ड है ज्यादा प्रोटेक्शन है ऑफसाइड पे और पहली गेंद इस इनिंग्स की आते ही बैंग ऑन। इसको दिखाता है इनकी मेंटालिटी कि दे वांट टू गो गन्स ब्लेजिंग, ये दिखाता है इनका अप्रोच। अगर पहली गेंद में 6 रन मिल जाए तो क्या कहेंगे, सोने पे सुहागा। पहले गेंद में 6 रन मिल जाए तो ये एक माइंडसेट बन जाता है कि इसी को मेंटेन करते हो लगातार, कॉन्फिडेंस बूस्टर इसको कहते हैं। पर ये अच्छी सोच है कि आप पहली गेंद में 4 लेने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल लेते हुए, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बंगाल टाइगर्स जानती है कि अब अगर वो विकेट लेंगे तो इस मुकाबले बने हुए, अन्यथा ये मुकाबला शायद मुश्किल है उनके लिए। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है जल्द से जल्द फोन उठाइए, कॉल करिए 5333599 पे और 1,00,000 रुपए का पुरस्कार नकद राशि आप जीत सकते हैं। ये कमेंटेटर्स भी फोन कर सकते हैं कि दिस इज ओनली फॉर द व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स। कोई भी करे यार, आप भी करो, आप कितने फोन कर रहे हैं, एक आपको मिला तो कुछ नहीं। नहीं ये मैं तो आप आंसर ही सारे गलत दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक्ट्रेसेस को फोन करता हूं सर, मिस्ड कॉल्स। पर मैं प्रदीप के बारे में आपको एक चीज बोलूं, वो अभी हिंदी फिल्मों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका इंडस्ट्री में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट माने जाते हैं, पर वो अब ऑडिशंस कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और शायद बहुत जल्द आप उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने वाले हैं। तो बी इन हिज बुक गुड बुक्स, यू माइट गेट हिज टिकट्स फॉर हिज फिल्म। मुझे लग रहा है फिलहाल गेंदबाज को टिकट देना चाहते हैं और बाउंड्री लगाना चाहते हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं। पर सुदीप इतने फोकस्ड है, देखिए ध्यान जो है बिल्कुल बीच में केंद्रित है, जानते हैं इस मुकाबले का महत्व, थोड़ी चाय की भी चुस्की लेते हुए। पर मैंने बोलूं कि मैंने नोटिस किया कि सुदीप आज कंट्रोल खो रहे थे, ही गॉट अग्रेसिव ऑन द फील्ड, स्लेजिंग कर रहे थे, डांट रहे थे लोगों को। पहली बार मैंने उनको इस लीग में इस टेम्परमेंट के साथ देखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक मेड हिज फ्यूज गो फॉर अ टॉस? मुझे लगता है सिचुएशन और इस मैच का महत्व, जब सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा हो, बड़ा मुकाबला चल रहा हो और अगर कोई खिलाड़ी गलती करता है, कई बार आप पारा खो देते हैं या उसको कुछ कहते हैं, पर आमतौर पर सुदीप ने बहुत बेहतरीन कप्तानी की है। हर सीजन लगातार उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन करती रही है, 2 बार खिताब भी जीता है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम ने, तो एक अच्छे कप्तान है। बार कट करते हुए पर सीधा हाथ में, यहां पे विकेट मिलती हुई और इसी की तलाश थी बंगाल टाइगर्स को। और सुदीप हालांकि चाय की चुस्की ले रहे हैं पर इससे खुश नहीं होंगे। और बिल्कुल देखिए सीधा हाथ में और ये कैच पकड़ा, कोई भी गलती नहीं। सवांतिका जो थोड़ी देर पहले हमारे कमेंटेटर बॉक्स में थी वो भी काफी खुश, और राहुल वापस जाते हुए निराश नजर आते हुए अपना खाता भी नहीं खोल पाए, 0 पे आउट हुए। 5-1 कर्नाटका बुलडोजर्स। अलग अलग प्रयोग करते हुए पर जो उनको चाहिए था पहले ओवर में, वो जो सफलता चाहिए थी वो उनको मिल गई है। 164 रन चाहिए 114 गेंदों में। इक्वेशन बहुत कठिन नहीं है आजकल जो क्रिकेट है, जिसमें 9-10 रन आराम से आते हैं अगर विकेट साथ में हो, और विकेट जैसे ही खेल रही है, जैसे सतह खेल रही है, ये कठिन नहीं है। खाली आपको बने रहना है, रन भी आएंगे, तेज आउटफील्ड है, पर बहुत जरूरी है एक सायेदारी कराने का बुलडोजर्स के नजरिए से। स्पॉन्सर्ड बाय हिम।
यार ये आपको खबरें कहां से मिलती हैं? वाइट का इशारा एम्पायर का, पर ये खबरों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहां कौन देता है आपको? ये या तो कोई एसएमएस आता है या व्हाट्सएप आता है, ये समझ से बाहर है, या कोई आपको मतलब ये कहां से पता चल रहा है? देखिए क्या होता है कि अगर आप एक्ट्रेसेस से दोस्ती करें, एक्ट्रेसेस बोलती भी बहुत ज्यादा है, उनके पेट में कुछ बात पचती नहीं है तो वो बता देते हैं. लुक एट द स्ट्रेस ऑन सुदीप्स फेस, ही शुड बी हैप्पी राइट नाउ कि उसकी टीम ने रिस्ट्रिक्ट किया बंगाल को. मुझे लग रहा है ये चिंता है, ये चिंतित है कप्तान, जानते हैं बड़ा मुकाबला है, एक हाथ विकेट और गिरते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, और बहुत जरूरी है मैंटी के लिए कि अपने दिशा पे नियंत्रण रखे. अनुशासन जो कहते हैं ना, सही जगह पे गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है. यहां पे दिशा से भटकते हुए, हालांकि ऐसा लगा थोड़ा सा क्लिप भी हुई है पैड से, इसलिए वाइट का इशारा नहीं एम्पायर का, बल्कि मैंटी तो सवाल पूछ रहे थे. लेग बिफोर तो नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर गेंद मिस कर रही थी लेग स्टंप को. ये वाइड होगी, ये वाइड होगी. अब ये मैं कह रहा हूं कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे आप गेंदबाजी करेंगे क्योंकि ये बोनस रन है, इससे जो प्रेशर है सिद्धार्थ वो ईज होता है. जितने ऐसे रन आएंगे, एक्स्ट्राज आएंगे, नो बॉल आएंगी, उतना प्रेशर कम रहेगा. और दो वाइड आ चुकी है अभी तक. एक्स्ट्राज हैव बीन अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द स्कोर्स इन दिस लीग एज वेल. अच्छा सिद्धार्थ एक चीज बताइए, आप दो चीजें पूछिए. नहीं नहीं, मैं एक पूछूंगा पहले, आप उसका जवाब दीजिए फिर दूसरी पूछूंगा. पहला ये है कि आपने बहुत इंटरव्यूज लिए एक्टर्स से, एक्ट्रेसेस से, आप मुंबई में रहते हैं, बड़ी नगरी है, महानगरी है. अब सबसे बढ़िया इंटरव्यू किस एक्ट्रेस के साथ आपका रहा, और क्या दिलचस्प वार्तालाप हुई, क्या बातचीत हुई, संक्षेप में, क्योंकि क्रिकेट भी बहुत जबरदस्त चल रही है. ये पैड से लगी है, ये पैड से लगी है तो वाइड नहीं होगी, पर बहुत बढ़िया यहाँ पे कलेक्शन यूसुफ द्वारा. तो एक्ट्रेसेस में मैं कहूंगा दीपिका पाडुकोन, क्योंकि मैंने उनसे ओपनली पूछा उनके रिश्ते के बारे में रणबीर कपूर के साथ, और उन्होंने कहा कि रणबीर मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है, पर अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता. पर जब वो कह रही थी, तह दिल से कहना ये चाहता हूं कि मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही थी. शी स्टिल हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रणबीर कपूर, और उनकी केमिस्ट्री देखकर मुझे लगता है कि रणवीर सिंह के भी हाथ पैर कांप रहे होंगे. और एक्टर्स में मुझे सबसे अच्छा लगा सलमान खान. सलमान के साथ क्या होता है कि आप तफरी करेंगे तो आपके साथ तफरी करेंगे, पर आप अगर उनके साथ उंगली करने की कोशिश करेंगे वो आपकी उंगली तोड़ देंगे. यार आप सब अंदर की बातें जानते हैं, और यहां पे देखिए किस प्रकार प्रोत्साहन देते हुए कोच बंगाल टाइगर्स के, और सीसीएल के अंदर की बातें भी आप कुछ हमें बताइए, कुछ रोशनी डालिए, कुछ ज्ञान दीजिए अपने शिष्यों को, जैसे मैं आपका शिष्य हूं इस वक्त. वैसे अंदर की बात यह है कि सुदीप बहुत ही एलिजिबल बैचलर है, पर मार्केट में इस वक्त खबर उड़ रही है कि वो एक्चुअली एलिजिबल इस वक्त नहीं है, क्योंकि कोई खास पर्सन उनके लाइफ में है, और ये अंदर की खबर है. और मुझे मालूम है कि आप सुदीप से शादी नहीं करना चाहेंगे, तो आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी ये, पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जिनको बहुत ये सुनकर दुख दर्द हो रहा होगा. अब मुझे लगता है यहाँ पे एक और जो परेशानी है मैंटी के लिए वो ये भी है कि अब बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है क्रीज पे, तो लगातार अपनी जो लाइन है उसमें तब्दीली करनी पड़ती है, ये भी एक समस्या है. पर बहुत फोकस नजर आ रहे हैं कप्तान कर्नाटका बुलडोजर्स के. एक मौका है प्रवेश करने का फाइनल में. याद रखिए लास्ट ईयर कर्नाटका बुलडोजर्स सेमीफाइनल में हार गई थी, तो ये आज जो उनके लिए एक बड़ा मुकाबला है. क्या आपको लग रहा है कि सुदीप के दिमाग में फ्लैशबैक्स चल रही होंगी अब लास्ट ईयर सेमीफाइनल, जिसकी वजह से वो इस गंभीर स्टेट में है? मुझे लगता है ज्यादा सोच नहीं कर रहे होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे उस मुकाबले की, पर एक चीज आपके जहन में जरूर रहती है कि आपने इतनी मेहनत करी है, यहां तक पहुंचे हैं, आपने इतना परिश्रम किया है, तो कम से कम एक स्टेप और आगे जाए. और सुदीप ने ये कहा था बहुत दिलचस्प चीज टॉस के वक्त कि मैं टॉस हारते रहा हूं, ये सीजन टॉस मेरे पक्ष में गया ही नहीं है, फिर भी हम मुकाबले जीते रहे हैं. तो आज देखना होगा, आज भी टॉस हारे हैं तो क्या आज जीत उनको मिलती है या उनकी टीम को मिलती है, वो वक्त बताएगा. वेल पॉपी ने आज डिसाइड किया है, जो हमारी एंकर है, कि वो एक कमेंटेटर को अपना भाई बनाएंगी, तो एंड ऑफ द डे तक आपको पता चलेगा कौन पॉपी का भाई बनने वाला है. और इस वक्त सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है अजय मेहरा जी. एंड मिस फील्डेड, व्हाट एन अटेम्प्ट, बट अ गुड अटेम्प्ट. अ बाउंड्री 12 फॉर 1 इन 2 ओवर्स.
परवाह कर रहे हैं कि उन पे चोट आए, निशाने आए, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर अपीयरेंस एट ऑल। बिल्कुल सहमत हूं आपसे, और जो कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट लेवल्स हैं, और यही कारण है जो मैंने हर साल देखा है सीसीएल में, जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनमें जो टेक्निक में इंप्रूवमेंट हो रही है, जो क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है। और इससे क्या हो रहा है, जो सीसीएल का स्तर है एज ए यूनिट, जो परफॉर्मेंस है, जो टेक्निक है, उसमें सुधार लेके आए हैं। इस बार अच्छी शॉट, खिलाड़ी डीप में तैनात, पर मिसफील्ड, चार रन, ये रन चुभेंगे, ये रन महंगे पड़ेंगे। बहुत सारे मिसफील्ड्स हो रहे हैं, एटलीस्ट द प्रीवियस वन वाज एन अटेम्प्ट जो सही नहीं गई। अगेन बैक टू बैक टू मेनी एक्स्ट्रास एंड मिसफील्ड्स। और फिर से देखें, गेंद को काफी शॉर्ट रखा, पर मात्र एक रन होना चाहिए था, और इससे कप्तान खुश नहीं होंगे, ना केवल कप्तान, गेंदबाज या बाकी खिलाड़ी भी। एक हाथ से रोकने का प्रयास किया, बिल्कुल सीमा रेखा के पास, पर क्या ना होगा, शॉट में जान थी, और क्या बूस्ट भी क्या है यहां पे। जिस तरीके से आप पैशनेटली बूस्ट के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है 3 साल का कोटा आपके घर में पहुंच चुका है। 3 साल का, और बचपन में भी बहुत पिया है, आगे भी देखना होगा कितना पीते हैं, और आपने कितना पिया है बूस्ट। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। एक हमारे साथ एक एक्स क्रिकेटर बैठे हुए, मिस्टर राव, जो कर्नाटक वाले खेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं जवगल सिन्हा के छोटे भाई जैसा दिखता हूं। आपको कैसा मान लो, कैसा लगता है ये स्टेटमेंट? मुझे लगता है कि खराब नहीं है, काफी सिमिलैरिटी है, तो स्टेटमेंट में कोई खामी नहीं। पर आपको, आपने कभी देखा है उनके भाई को? सेम है लगता है, दोनों ने डिसाइड करके यहां पर पहनी हुई है ये आउटफिट्स। Not much action happening on the field at this point of time. Hello, ladies. Varun struggle kar rahe hain is waqt. He's not being able to take those singles. Yeah, prayas kar rahe hain ki ab gap mein khele, strike rotate khele kare, par ab kyunki jo 30 गज के अब दायरा है, उसके अंदर जो खिलाड़ी खड़े हैं उसको काफी आगे बुला लिया कप्तान ने, जो कि अच्छी सोच उनके द्वारा। इस बार फील्ड करने का प्रयास, पर कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति, 18 पे 1। हैदराबाद के बारे में आपको कौन सी चीजें जो बहुत पसंद है? लाइक व्हेन आई केम टू हैदराबाद, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल सिटी। यार मेरा ध्यान तो रहता है पहले हैदराबादी बिरयानी के ऊपर, और यहां पे नकारते हुए एम्पायर बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो बैट्समैन थे ज्यादा खुश नहीं थे, उन्होंने एम्पायर को कुछ कहा, उसके बाद जो डेड बॉल है उसका सिग्नल देते हुए यहां पे, मुझे लगता है कुछ हद तक होनी भी चाहिए, मतलब लिमिट्स के अंदर। अगर आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे फिर मुश्किल है, पर अगर कोई बातचीत हो रही है आप कदर करो ब्यूटी की मेरे भाई। अरे मिसफील्ड वंस अगेन, बैक टू बैक मिसफील्डिंग। बोथ द कैप्टन्स लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड। तो आप मुझे बता रहे थे अबाउट हैदराबाद, तो एक तो बिरयानी हुई और क्या? चार मीनार। मुझे याद है जब मैं बहुत पहले आया था दिल्ली अंडर 19 टीम के साथ यहाँ पे खेलने के लिए, तो हमारी पूरी टीम, मतलब मैं क्या 10-12 खिलाड़ी एक्साइटेड है और नर्वस भी है। बुलडोजर्स को जब देख रही है वो खेलते हुए टाइगर्स के विरुद्ध, अगेन मिसफील्डिंग। ये आपको कैसे मालूम कि बंगाल टाइगर्स के समर्थक हैं? अरे यार फ्लैग देखो यार आप क्या देख रहे हैं यार सिद्धार्थ, आपकी निगाहें कहीं और ही है। आई वंडर वेयर। बट वरुण ने बहुत सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशन किया टू द बंगाल टीम, एंड इन टर्म्स ऑफ सॉरी द कर्नाटका टीम, वरुण हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फोर्सेस इवन एज एन ऑलराउंडर। और उनको लोग प्यार से वरुण बाबा बुलाते हैं, हालांकि उनका ओरिजिनल नेम जो स्क्रीन पर है वो है ध्रुव शर्मा। और कौन कप्तान है बंगाल टाइगर्स टीम के, ये एक प्रश्न है। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है तो बताइए। फिलहाल ये एक बेहतरीन शॉट, जबरदस्त प्रहार, बढ़िया संपर्क, और मैक्सिमम 6 रनों के लिए। क्या कनेक्शन था, और पहले ही गेंद की लाइन को पिक कर लिया था यहां पे। इट सीम्स ही वांटेड टू क्विट एक्टिंग, एंड इनके पिताजी ने आके उनको एक पेप टॉक दिया और कहा कि बेटा
फिल्में चले या ना चले उसके बारे में और बताऊंगा, और फिलहाल 29 for 1 in 4 overs. 7 महीने बाद वो वापस आए एंड ही एक्चुअली बाउंस बैक एंड गिव 2 back-to-back hits. ट्रूली अ स्टोरी ऑफ अ हीरो. जी हाँ, और अगर कर्नाटक बुलडोजर्स टीम की बात करें तो मुझे लगता है बैटिंग लाइनअप में ये बहुत बड़े हीरो हैं, क्योंकि जैसे ये बैटिंग को संभालते हैं, स्थिति को पढ़ते हैं, उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे इनिंग को पेस करते हैं. टेक्निकली मैं बात कर रहा था, बहुत करेक्ट है. यहाँ पे वाइड और बोनस रन, ना केवल एक रन पर, यहाँ पे 5 wide मिलेंगे. अब ये रन बहुत चुभते हैं, ये महंगे भी साबित होंगे. ये आखिरी चीज है जो जीशु चाहेंगे, कम से कम विकेट विकेट आप गेंदबाजी करिए. और देखिए 9 wide हो चुके हैं अभी तक, ये 5वां ओवर चल रहा है और 9 wide. कर्नाटका की टीम का बेस्ट प्लेयर इस वक्त है वाइड्स एंड एक्स्ट्रास. हेलो मैम, एंजॉयिंग द गेम. देखिए हर एज के लोग यहां पर आकर सीसीएल के मैचेस को देख रहे हैं. आंटी हो, यंगस्टर्स हो, प्रिटी लेडीज हो, बच्चे हो, दे आर ऑल हियर. देखिए एक और वाइड. सुदीप ने एक हिंदी फिल्म की थी विच वॉज कॉल्ड मक्खी, जिसे बहुत सारे अच्छे रिव्यूज भी मिले थे. और अगर आप उनकी आवाज को नोटिस करेंगे तो बहुत भारीपन है, बहुत बेस है सुदीप की आवाज में, बिल्कुल बच्चन साहब की तरह. जी हाँ, बिल्कुल बड़े सुपरस्टार हैं. और बैंगलोर में जब हम मुकाबला कर रहे थे, जो पहला मैच था, जब से ये अंदर आए तो जो इनको वेशन मिली, आप जैसे आप ये टॉस करने के लिए अंदर आए तो बिल्कुल सारे जितने भी दर्शक थे एकदम उत्साहित हो गए. तो एक बहुत बड़े हीरो है, सुपर हीरो है उस क्षेत्र के. और मुझे लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने टीम को भी संभाला है, जिस प्रकार एक सोच रहती है, कप्तान का दबदबा रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको निभाया है सुदीप ने. जी हाँ, वो कर्नाटका में बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं, फिल्में शूट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. और ये लगा चाका. ये तीसरी बार है विवेक ने गेंद को शॉट रखा है और खासकर प्रदीप के विरुद्ध. बाएं हाथ के हैं, इंतजार कर रहे हैं. अब एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट में भी है, पर क्योंकि वो थोड़ा स्क्वायर है, ये काफी उन्होंने फाइन खेला और लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, तो 4 रन आसानी से मिले. और तेज आउटफील्ड है, यहाँ पे चेज करना बहुत कठिन है. और बहुत बढ़िया कनेक्शन भी. और हालांकि विवेक कह रहे थे कैच पकड़िए, पर फील्डर से तो बहुत दूर रह गया. स्टेडियम में जितनी भी चाय है वो खत्म हो चुकी है सुदीप की वजह से, तो आप चाय के लिए प्लीज मत ऑर्डर करिएगा, बाकी सब मिलेगा आपको. चाय पीने का कंपटीशन चल रहा है और सुदीप जीत चुके हैं. उनकी आंखें भी बड़ी स्ट्रेसफुल लग रही है, और पहली बार मैंने किसी मर्द के आंखों को देखा हुआ ऐसे. आई यूजुअली सी लेडीज आईज ओनली, यू नो दैट अजय. वेल, सुदीप के शक्ल में इसलिए खुशी थी क्योंकि उनको और चाय मिल चुकी है. चाय का खोटा खत्म नहीं हुआ अभी. 42 for 1 in 5 overs. Actually, sorry, 43 for 1 in 5 overs.